প্রতিষ্ঠা হচ্ছি ভব্য দিব্য রাম মন্দির হয়েছি উনিশশো তেয়ানবা প্রতিনিধিত্ব করেন আইনজীবী ত্রোলকনাথ পাণ্ডে তা পুয় অমিত পান্ডে তা আলোচনা করা কমিটি লাঘর্ষ রাহানী রোল আপ কেসে ভগবান मेरे पिताजी जो है मार्च 2008 में हॉर्नेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है भगवान का वाद मित्र जो हम लोग अभी जो कहते हैं राम सखा नियुक्त किया था और तीस सितंबर 2010 को जो हॉर्नेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो है उनको जो है उसके आधार पे तीन जजों की जो पीठ है उसमें उन्होंने माना कि यह भगवान की जगह है और भगवान राम लला है जो है वहाँ अनाथकाल से पूजा की पूजा होती आ रही है और इसके आधार पर दो तीन से जो है ये हिंदू पक्षीय मुकदमा जीत गया था और पांच जजों की जो संवैधानिक पीठ है आर्नेबल सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने पांचों ने ये जो जमीन है अयोध्या की वो रामलला को समर्पित किया और जो सुप्रीम कोर्ट ने कब ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया था ये 2019 में दिया था 30 नवंबर को 9 नवंबर को 9 नवंबर 2019 को ये ऑर्डर दिया था कितने बार आपके पिताजी ने कोर्ट गए भगवान के लिए मेरे पिताजी उन्नीस से लेकर 2019 तक अनवर डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वो दौड़ते रहे वो लगभग अट्ठाईस साल इस काम में लगे रहे और, और हम छोटी बात न कहें तो जो वो भगवान के लिए ही समर्पित थे उन्होंने भगवान आखिरी सांस तक भगवान के लिए ही जिया अब तो वो सशरीर इस दुनिया में नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप से जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे अब भव्य राम मंदिर प्रतिष्ठा हो रहा है आप इसको कैसे देखते हैं आपके पिताजी ने इतने संघर्ष किया आपको फैमिली इसको कैसे देखते है ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों के जीवन काल में भगवान की भगवान की मंदिर बन रही है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हमारे परिवार के लिए तो और हर्ष की बात है कि हमारे पिताजी ने ही ये मुकदमा भगवान की तरफ से जीता था हमारे पिताजी का ही उसमें सिग्नेचर चलता था कोर्ट में कि भाई भगवान की तरफ से वही रिप्रेजेंट करते थे तो ऐसा लगता था कि जो करोड़ों लोगों के बीच में से हमारे पिताजी को चुना गया वो भगवान विशेष कृपा करके उनको अपना प्रतिनिधि बना के भेजे थे और कार्य पूर्ण होने के बाद सितंबर चौबीस सितम्बर दो को इस दुनिया से वो चले गए जब पिताजी इस दुनिया से चले गए तो आपको कुछ बोला क्या कि इस तरीके से आपको मंदिर को सेवा करना चाहिए कि हमारा भी इतना योगदान था मंदिर में नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा हम लोग कुछ उम्मीद भी नहीं करते हैं कि कोई बोले भगवान का कार्य है भगवान का कार्य हुआ बस उन जो उन्होंने कार्य किया अब हमारे और समाज का ये दायित्व बनता है कि उनकी पुण्य स्मृति आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा कुछ हम स्मारक बनाए ऐसा कुछ आ, समाज कल्याण के लिए कोई उनके नाम पर ऐसा संस्थान बनाए जिससे आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको हमेशा याद करें कि ये भगवान के ये भगवान जो खुद मुकदमा लड़े थे उसके जो मेन प्रतिनिधि थे वो ये 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 थे और इनके नाम को जो है हमेशा स्मरण करें लोग जब आपके पिताजी खुद लड़े थे भगवान की प्रतिनिधि के लिए कोर्ट का जो राय आया था ऐसे कुछ जो राय आया था जो आपको पिताजी बोल सकते थे देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो एक हजार पैतालीस पेज का है आप लोग जो है चार सौ चार सु, चार, सु, चार सु पांच नंबर पेज को जो है जब केयरफुली रीड करेंगे तो उसमें डायरेक्टली मेंशन है कि वो इसके वो जो है इस इस केस के लिए अथराइड अपॉइंट किए गए हैं अथॉरिटी अपॉइंट किए गए हैं कि वो जो है भगवान की तरफ से इस केस को देखेंगे और फाइनल जब 2010 का जजमेंट हो या चाहे 2019 का जजमेंट हो तो यही निकली कि भगवान भगवान राम लला ही है जीते हैं मतलब इनडायरेक्टली रूप से हमारे पिताजी डायरेक्टली रूप से केट लड़े और भगवान को जिताए और जिताने के बाद इस दुनिया से अब चले गए लास्ट जजमेंट कब आया था लास्ट जजमेंट जो है नौ नवंबर 2019 को आया था क्या था जजमेंट में जजमेंट था पांच जजों का जो संवैधानिक पीठ थी उन्होंने यही माना कि ये जो जमीन है ये भगवान राम लला की है और अनाध काल से भगवान की यहाँ पूजा अर्चना चल, चली आ रही है इसलिए उन्होंने ये जजमेंट दिया था और एक, एक इंस्ट्रक्शन भी दिया था हमारे जो केंद्र की सरकार को राज्य सरकार को कि भाई एक समिति कमेटी बना के जो है रामलला की एक भव्य और दिव्य मंदिर के स्थापना किया जाए और मुस्लिम पक्ष के लिए कहा गया है कि अयोध्या से कुछ दूरी हट के जो है उन उनका भी एक जो है धर्मस्थल का निर्माण कराया जाए यही जजमेंट था बाकी जो है इसमें बहुत सारे लोगों की आहूतियाँ हुई है बहुत सारा संघर्ष हुआ है लेकिन हम लोगों के लिए सबसे खुशी की बात है कि जो फाइनल जो जजमेंट लिखा जाए गया और जो फाइनल सिग्नेचर हुआ वो हमारे पिताजी का था इससे अच्छा हम लोग के लिए खुशी की बात क्या हो सकती है मंदिर अभी प्रतिष्ठा हो रहा है आप जा रहे हो मंदिर के बाईस तारीख को नहीं हम तो नहीं जा रहे हैं शुणुले जो भी भाव आईनजीवी तैलकनाथ पांडे जे भगवान को पाई निजे प्रतिनिधि साजिश कोर्ट रे नुआ दिल्ली कैमरा पर्सन नीरज को सह मनोज महांती अर्गस न्यूज जदिना आम भिड्टे भल लगा तेब आम चेल्क लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां तो नहीं